Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Nacha Prana Sangyo Na Vai Pancha Vayu Na Vasabda Dhatu Na Va Pancha Kosha Na Va Pani Padam Na Chopastapayu Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda इल्जाम तो सिर्फ कांटों पर लगेगा, ये सोचकर कई बार फूल भी जख्म दे जाते हैं। ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास भरी है। मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत पसंद है, क्योंकि वो खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। थोड़ा गुरूर भी होना जरूरी है जीने के लिए। किसी से ज्यादा झुककर मिलो तो पीठ का पायदान बना लेते हैं। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन यदि सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो टक्कर का खिलाड़ी होता है। जहां प्रयासों की ऊंचाई अधिक होती है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। दोस्तों से अच्छे तो मेरे दुश्मन निकले, जो बात बात पर कहते हैं कि तुझे छोड़ेंगे नहीं। याद ना करे तो ना सही, लेकिन ये तो पता चले कि नीयत खराब है या तबीयत खराब है। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले या ना चले अपनी उड़ान को जिंदा रखिए। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है ये देखने में हम इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है ये देखने का हमारे पास वक्त ही नहीं रहता। किसी के बुरे वक्त में हंसने की गलती मत करना, ये वक्त है चेहरे याद रखता है। जीवन में एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे को परखने का नहीं। आपकी अंतिम गलती ही आपके लिए सबसे बड़ी सीख होगी। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सुनाना, वरना हर शख्स फितरत में बादशाह ही होता है। अपनी लंबाई का गुरूर है रास्तों को, लेकिन वो मेरे कदमों का मिजाज नहीं जानते। हर एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम में आप पूरी दुनिया को संभाल लेते हैं। जब आपकी सोच बड़ी हो तो आपकी उम्र मायने नहीं रखती। मैं इतना काबिल तो नहीं कि कोई मुझे अपना समझे, पर इतना यकीन है कि कोई अफसोस जरूर करेगा मुझे खो देने के बाद। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखे उस पर कभी विश्वास मत करना। जीवन में मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है, और सत्य बोलने से दिल साफ रहता है। मुद्दतें लगी बुनने में ख्वाबों का स्वेटर, जब तैयार हुआ तो मौसम बदल चुका था। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। स्त्री कोई ब्रेल भाषा नहीं है जिसे समझने के लिए स्पर्श की जरूरत पड़े। स्त्री तो सांकेतिक भाषा है जिसे समझने के लिए मन की जरूरत है। औरत को हर वक्त उसकी अक्ल का ताना देने वाले लोग उसकी जरा सी अदा पर अपनी अक्ल खो देते हैं। औरत की इज्जत किसान की जिंदगी और सैनिक की जान को छोड़कर इस देश में बाकी सब कुछ महंगा ही है। गुस्से के वक्त रुक जाना चाहिए और गलती के वक्त झुक जाना चाहिए, क्योंकि दोनों में फायदा आपका ही है। हमें भी सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो दूसरे सहन करते हैं। वो गलती सबसे बड़ी गलती है जिसमें गलती का एहसास ना हो। मेरे किरदार को चाहे कितना भी आजमा दो, लेकिन उसके बाद की कहानी सिर्फ मैं ही लिखूंगा। इतना क्यों सिखाई जा रही हो जिंदगी, हमें कौन सा यहाँ सदिया गुजारना है। जमाने की नजर में थोड़ा अकड़ कर चलना सीखे, मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। मुफ्त में नहीं सीखा उदासी में मुस्कुराने का हुनर, बदले में जिंदगी की हर खुशी तबाह की है। जीवन में किसी को इतना महत्व भी मत दो कि वो आपके चेहरे की मुस्कान छीन ले। मुझे अकेलेपन से डर नहीं लगता, सच कहूं तो झूठे रिश्तों से बहुत लगता है। जिस चांद के हजारों चाहने वाले हो वो क्या समझेगा एक सितारे की कमी को। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को क्या पता कि इस दिल की दीवार कहां से कमजोर है। किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलना। हो सकता है कि ये खेल आप जीत जाओ, लेकिन ये पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। कुछ बड़े लोगों ने कहा मुझसे कि उम्र तुम्हारी छोटी है, मैंने भी मुस्कुराकर कह दिया कि उम्र भले ही छोटी है लेकिन सोच आप सबसे बड़ी है। जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, न जाने कौन सी रात आखिरी होगी। हंसते रहो मुस्कुराते रहो, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास कुछ नहीं आपको देने के लिए, बस ये सोच के उसका साथ निभाइए कि उसके पास कुछ नहीं है आपके सिवा खोने के लिए। जिंदगी में हर किसी के लिए दुआ करो, क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ का इंतजार कर रही हो। जिंदगी तो सभी के लिए वही है
फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिल से जी रहा है और कोई सिर्फ दिल रखने के लिए जी रहा है। यह निश्चित है कि जो किसी की परवाह नहीं करता उसकी परवाह भी कोई नहीं करता। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। क्या कहती हो कि नफरत है तुम्हें हमसे? अरे क्या कहती हो कि नफरत है तुम्हें हमसे, ये तो बताओ कि इश्क था ही कब तुम्हें हमसे? जीवन में बनना ही है तो किसी की हिचकियों का हिस्सा बनिए, किसी की सिसकियों का नहीं। कोशिश कीजिए कि आपके कारण किसी की आंखों में आंसू ना आए, नहीं तो वही आंसू आगे चलकर आपकी आंखों से भी आएंगे और हो सकता है तब तक वो इंसान आपके साथ ना हो। यदि जिंदगी से आपको खुशियां नहीं मिल रही है तो जिंदगी आपको तजुर्बे जरूर दे रही होगी। खुशियां थोड़े समय के लिए हो सकती है लेकिन तजुर्बे जिंदगी भर के लिए होते हैं, इसलिए अपने तजुर्बों से सीखिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है, जब होश आता है तो समय निकल जाता है। तू भी आईने की तरह बेवफा निकला, जो भी सामने आया उसी का हो गया। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो ये पता चला, जिसमें जमीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। जो मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें, मैं हर इंसान को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जिंदगी के सफर में नींद ऐसी खो गई, हम तो सोए नहीं रात थक कर सो गए। दर्द दो तरह के होते हैं, एक आपको तकलीफ देता है और एक आपको बदल देता है। अब मत खोलना मेरी जिंदगी की पुरानी किताबों को, जो मैं था अब वो रहा नहीं और जो हूँ वो किसी को पता नहीं। कदर ही करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। जिन्हें अपने अंदर कोई गलती नजर नहीं आती उन्हें दूसरों के अंदर गलतियों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अगर किस्मत को आजमाते आजमाते थक गए हो तो खुद को आजमाइए, नतीजे बेहतर मिलेंगे। मन में विश्वास रखकर कोई हार नहीं सकता और मन में शंका रखकर कोई जीत नहीं सकता। ढूंढना ही है तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढो, आपका इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है, पल भर में इंसान याद बन जाता है। कुछ लोग तो आपसे सिर्फ इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी इज्जत करते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की हकीकत को समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो कभी उस तराजू पर अपने आप को रख के देखिए। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। किसी ने मुझसे पूछा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने जवाब दिया कि टांग के बदले हाथ खींचो। वह व्यक्ति गरीब नहीं है जिसके पास थोड़ा है, गरीब तो वह है जो ज्यादा के लिए मरा जा रहा है। लोग कई बार बदल जाते हैं लेकिन दूसरों को बताना भूल जाते हैं। क्यों हर शख्स की गलतियां बताते हो? इस जहां में इंसान बसते हैं भगवान नहीं। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। उनको डर है कि हम उनके लिए जान नहीं दे सकते और मुझे खौफ है कि वो रोएंगे बहुत मुझे आजमाने के बाद। वो खुद पर गुरूर करते हैं तो उसमें हैरत की कोई बात नहीं, जिन्हें हम चाहते हैं वो आम हो ही नहीं सकते। अरे कदर करनी है तो जीते जी करो, वरना मौत के बाद नफरत करने वाले भी रो देते हैं। यदि कोई आपका दिल दुखाए तो चुप रहना सीख लो, क्योंकि जिन्हें आप जवाब नहीं देते हैं उन्हें खुदा जवाब देता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता, वो सिर्फ इतिहास पढ़ता है। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं। जिंदगी में यदि कभी बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपनों का पता ही नहीं चलता। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। क्या आप तैयार हो? एक बार सभी उम्मीदों का टूटना भी जरूरी है, पता तो चले ये दुनिया कायम किस पर है। जिंदगी का एक उसूल याद रखना, पहचान सबसे रखना लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना। रिश्तों की कदर भी धन की तरह करना चाहिए, दोनों को खोना आसान है लेकिन कमाना बहुत ही मुश्किल है। स्वाद जिंदगी का लो, किसी के भरोसे का नहीं। क्या आपके भरोसे का भी किसी ने स्वाद लिया है? है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब भी जिसका खून खौला खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। वंदे मातरम। ईश्वर के मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। हौसला कम ना होगा तेरा तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल होगी जिंदगी की मुश्किलें। बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। जिंदगी में कभी उदास मत होना,
कभी किसी की बात पर निराश मत होना, ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। असफल लोगों के तीन लक्षण जो आप में कभी नहीं होना चाहिए। सबसे पहला, ये अहंकारी होते हैं। ये अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं और सभी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे रावण और कंस। दूसरा, टालमटोल की प्रवृत्ति। इन्हें कोई भी काम दिया जाए उसे ये हमेशा टालते रहते हैं और समय को बर्बाद करते रहते हैं। तीसरा, लक्ष्य का न होना। इनका खुद का कोई लक्ष्य नहीं होता है, इसलिए ये दूसरों के जैसे बनने की कोशिश करते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब आप उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। हमारा तजुर्बा हमको सबक ये सिखाता है कि जो मक्खन लगाता है वही चूना लगाता है। अपने बड़ों की बातें हमेशा ध्यान से सुने, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि गलत होने का अनुभव उनके पास आपसे ज्यादा है। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, मुस्कुराने के लिए रोना पड़ता है। यूं ही नहीं होता है सवेरा, सुबह होने के लिए रात भर सोना पड़ता है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता था, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत को ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो साथ नहीं थे। अपने रब के फैसले पर भला शक कैसे करूं? अगर सजा दे रहा है वो तो कुछ तो गुनाह किया होगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही ज्यादा खुश रहोगे। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो ये तीन बातें हमेशा याद रखना। जीवन में हमेशा बड़ी सोच रखना, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। हमेशा अपने काम को लेकर जिद्दी बनना, लेकिन जिद खुद से करना, दूसरों से नहीं। हमेशा सभी का सम्मान करना और हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करना, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई न कोई खास गुण जरूर होता है। ये तीन बातें हमेशा याद रखना। यदि गलत फहमी को दूर ना किया जाए तो वो नफरत में बदल जाती है। जो इंसान आपके सामने दूसरों की बुराई कर सकता है, वही इंसान दूसरों के पास जाकर आपकी बुराई भी करेगा। पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अगर जीत की चाहत रखते हो तो खुद को मेहनत की आग में तपाना होगा। आज नहीं तो कल उसे एहसास हो ही जाएगा कि नसीब वालों को मिलते हैं फिकर करने वाले। मशहूर होने का शौक किसे है, मुझे तो मेरे अपने ही ठीक से पहचान ले वही काफी है। यकीन करो, वो जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है वो सिर्फ रब है। स्वयं को ज्ञानी समझो, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझने की मूर्खता मत करो। काश मोहब्बत में भी चुनाव होते, गजब का भाषण देते तुम्हें पाने के लिए। जब जब मुझे लगा कि मैं तेरे लिए खास हूँ, तेरी बेरुखी ने मुझे समझा दिया कि मैं झूठी आस में हूँ। वो बुलंदी किस काम की जनाब, जहाँ इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना हालात साथ देंगे और ना लोग। शख्सियत दमदार होती है तभी तो दुश्मन बनते हैं, वरना कमजोर लोगों को कौन पूछता है। आपकी किस्मत भी कितनी अजीब है, आप हमेशा खुश रहना चाहते हो और ईश्वर आपको कोई ना कोई मुसीबत दे देता है। झुकने से रिश्ते गहरे होते हैं तो झुक जाओ, लेकिन हर बार यदि आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। वो समझे थे कि तमाशा होगा, लेकिन मैंने चुप रहकर बाजी पलट। तुम जानते हो मेरे दिल की बात, खैर छोड़ो, जानते होते तो मेरे होते। संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबोगे ये लोग उतना ही और दबाएंगे। अच्छा बनने के लिए कभी किसी के बुरे वक्त का इंतजार मत करो। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हो। सच्चा रिश्ता वो है जिसकी शुरुआत दिल से हो, न कि जरूरत से। भीख और सीख ठोकर खाकर ही मिलती है। आप हंसकर अपनी गलतियां क्या कबूल कर लेते हो, ये दुनिया तो आपको मुल्जिम ही करार दे देती है। और जो लोग झूठे और फरेबी होते हैं उनको बहुत अच्छा मानती है। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है, होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। इसलिए वक्त निकलने का इंतजार मत करो। क्या आपने कभी सोचा है कि उस किताब को पढ़कर एक व्यक्ति तो महान बन जाता है और दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है। लिखने वाला अपनी भावनाओं को लिखता है, लेकिन पढ़ने वाला सिर्फ शब्दों को पढ़ता है। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा दिल चाहिए, न कि अच्छा दिमाग। अहंकार और अंधकार में सिर्फ इतना सा फर्क है कि अहंकार दिन में भी कुछ दिखने नहीं देता,
जिंदगी में ये बातें हमेशा याद रखना, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो पछता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर रूठे उसे मनाना नहीं, जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं, और जो मौसम से बदले ऐसा दोस्त बनाना नहीं। ये तकलीफें तो हिस्सा है जिंदगी का, डटे रहना घबराना नहीं। सुना है काफी पढ़े लिखे हो गए हो तुम, कभी कभी वो भी पढ़ लिया करो जो हम कह नहीं पाते। जीवन में किसी इंसान को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और यदि रोज किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट भी ले आओगे तो फिर अगरबत्ती लगाने की भी जरूरत नहीं। किसी को आदेश देने से पहले खुद आदेश मानना जरूरी है, क्योंकि बात उन्हीं की मानी जाती है जो खुद अपनी बातों पर अमल करते हैं। अकेले रहना अच्छा होता है, कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। मोबाइल की गैलरी और अपने दिल को इतना साफ रखो कि कोई खोल कर देखे तो शर्मिंदा ना होना पड़े। किसी की गलतियां गिनते समय उसकी खूबियों को नजरअंदाज मत कर देना। मांगना ही छोड़ दिया हमने वक्त किसी से, क्या पता उसके पास इनकार करने का भी वक्त ना हो। किसी को नहीं दिखते तुम्हारे आंसू, किसी को नहीं दिखती तुम्हारी पीड़ा, और किसी को नहीं दिखती तुम्हारी उदासी। लेकिन कितनी अजीब बात है, सबको दिखती है तुम्हारी गलतियां। खुशी आपके एटीट्यूड पर निर्भर करती है, आपके पास क्या है उस पर नहीं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। जीवन में कभी आंसू आए तो खुद पोंछना, क्योंकि यदि लोग पोंछेंगे तो सौदा करेंगे। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके दिल की बातों को ऐसे समझे जैसे दवाई की दुकान वाला डॉक्टर की हैंडराइटिंग को समझता है। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब होता है, लोग लंबाई और चौड़ाई तो नापते हैं लेकिन गहराई हमेशा भूल जाते हैं। किसी का साथ मांगना हो तो जिंदगी भर का मांगना, क्योंकि कुछ देर का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी उनकी औकात है, वरना वो लोग सर पर चढ़ जाते हैं। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। जहां विश्वास होता है वहां सबूत की जरूरत नहीं होती, आखिर कहां गीता पर भी श्री कृष्ण के हस्ताक्षर है। इसलिए जिस पर विश्वास करो पूरा करो, नहीं तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन आत्मा नहीं, ध्यान ज्ञान धैर्य कर्म सब गुरु की ही देन है। चमक सबको नजर आती है लेकिन अंधेरा कोई नहीं देख पाता। मार्गदर्शन सही हो तो एक नन्ना सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। ठुकरा दे कोई तो दिल टूट जाता है, टूट जाती है यादें जब कोई अपना समझ नहीं पाता है। सच कहते हैं दुनिया वाले इंसान सबसे जीतकर अपनों से हार जाता है, अपनों से हार जाता है। हर सुबह उठते ही इंसान को ये तीन चीजें जरूर करना चाहिए। पहला, सबसे पहले उठते ही पानी पीजिए। दूसरा, दिनचर्या को तय कीजिए कि आपको पूरे दिन करना क्या है। और तीसरा, मेडिटेशन कीजिए। मेरी औकात देखने के लिए तेरी औकात होना भी जरूरी है। दूसरों की नजरों से देखोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, लेकिन खुद मिलने आओगे तो मुस्कुरा कर जाओगे। ये सर तो अपनी मर्जी से झुकेगा, जबरदस्ती करने वाले तो आग भी नीचे नहीं करा सकते। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए, पगार कुछ नहीं है उनकी लेकिन काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। जब तक शांत हूँ शोर कर लो, जब मेरी बारी आएगी तो आवाज भी नहीं निकाल पाओगे। यदि कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। इसलिए अपनी काबिलियत को बढ़ाओ और जो जितना जलता है उसे और जलाओ। गिटार का तार जब ढीला होता है तो वो बेसुरा होता है, और जब उसके तार को ज्यादा टाइट कर दिया जाता है तो उसके तार टूट जाते हैं, लेकिन जब वो मध्य में होता है तो फिर मधुर संगीत निकलता है। इसी बात में जीवन का सार छुपा है। यदि आप कमजोर बनेंगे तो लोग आपको खा जाएंगे, ज्यादा ताकतवर बनेंगे तो आप खुद अपने आप को जला लेंगे। इसलिए मध्यम का मार्ग अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। दरिया ने झरने से कहा, तुम्हें समुद्र नहीं बनना क्या? झरने ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा बनकर खारे रहने से अच्छा है छोटा बनकर मीठा रहूं। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। यदि कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है और आपको पता चल गया तो पता है आपको क्या करना चाहिए? आपको उस इंसान को कभी नहीं बताना चाहिए कि आपको पता चल गया, और आपको उस इंसान को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए।
ताकि जिंदगी भर वो परेशान रहे कि आपने उसे छोड़ा क्यों। एक दिन सोने ने लोहे को कहा कि हम दोनों एक ही हथौड़ी से पिटते हैं, लेकिन तुम इतना क्यों चिल्लाते हो। लोहे ने जवाब दिया कि जब अपना ही अपने को घाव देता है तो दर्द ज्यादा होता है। कितनी तकलीफ होती है ना जब हम किसी को याद करते रहते हैं, करते रहते और करते रहते हैं, और उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। पता है आपको धोखा कब मिलता है? जब आप अपना सब कुछ छोड़कर किसी इंसान को अपना सब कुछ मान लेते हैं और फिर आप अपनी कद्र नहीं करते, और तभी वो इंसान भी आपकी कद्र करना भूल जाता है। यदि आप दुनिया को दिखाने के लिए कुछ करते हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि दिखावा करने वाले का अक्सर तमाशा बनता है। बुरा वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन सिखाकर और समझाकर जरूर जाता है। वक्त का क्या पता कि हंसाएगा या रुलाएगा। जीना है इस पल को तो जी लो, क्योंकि ये पल अगले पल तक रुक नहीं पाएगा। परिस्थितियां बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। क्या आप एक ही जोक सुनकर बार बार हंसते हैं? नहीं ना, तो फिर आप एक ही बात पर बार बार क्यों रोते हैं? उस इंसान को अपनी जिंदगी से हटाइए जिसके कारण आपको बार बार रोना पड़ता है। ये इंसान कितना बदल गया है ना। पहले इंसान विवेकानंद और धीरूभाई अंबानी बनने के सपने देखता था, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनने के सपने देखता था, लेकिन आज सपने देखता है कि उसे व्यूज और लाइक्स मिल जाए। कितना अजीब है ना, कड़वा है लेकिन सच है। आपके अपनों को आपकी सफलता सिर्फ तब तक अच्छी लगेगी जब तक आप उनसे पीछे हैं। जिस दिन आप उनसे आगे निकल जाएंगे आप उनकी आंखों में खटकने लगेंगे। कड़वा है लेकिन सच है। वो करीब है लेकिन दूरियों के साथ, आप जीत तो रहे हैं लेकिन मजबूरियों के साथ। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया ढूंढो, अगर वो आपके अंदर नहीं तो कहीं नहीं। यूं तो जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हम जिक्र उसी का करते हैं जो हमें मिला नहीं। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। ये दुनिया है जनाब, यहाँ टाइम पास करने वालों को प्यार मिलता है और प्यार करने वालों को धोखा। धोखा जिसे डर ही नहीं है आपको खोने का, वो क्या अफसोस करेंगे आपके होने या ना होने का। जो नहीं है आपके पास वो ख्वाब है, लेकिन जो है आपके पास वो लाजवाब है। इसलिए जो है उस पर ध्यान दो। मैंने जिंदगी से पूछा तो इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया कि दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। इससे किसी को कोई मतलब नहीं कि आप किसी काम को कैसे करते हो। लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, इसलिए आप सिर्फ काम पर ध्यान लगाओ। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। अगर आप किसी की सहायता करते हो तो एहसान मत जताओ, क्योंकि जताया गया एहसान आपकी पूरी अच्छाई को खत्म कर देता है। पेड़ तो अपने फल खा नहीं सकते, इसलिए वो हमें दे देते हैं, लेकिन कोई अपना पेट खाली करके भी हमारा पेट भर रहा है, वो है हमारे पिता। महफिल में गले लग के वो धीरे से कह गए, ये दुनिया की रस्में हैं, इसे मोहब्बत ना समझ लेना। जिंदगी में दो लोगों से कभी रिश्ते मत रखना, एक बिजी और दूसरा घमंडी। बिजी व्यक्ति अपने समय से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। हर सुबह ये पांच बातें अपने आप से कहिए, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, भगवान मेरे साथ है, मैं एक विजेता हूँ और आज का दिन मेरा है। अगर किसी चीज को तुम दिल से चाहो तो वो चीज कुछ ज्यादा ही भाव खाने लगती है। एक दिमाग वाला दिल मुझे भी दे दे खुदा, क्योंकि ये दिल वाला दिल सिर्फ तकलीफ ही देता है। बड़े महंगे किरदार है जिंदगी में, समय समय पर सबके भाव बढ़ जाते हैं। अरे करनी ही थी बेवफाई तो पहले बता देते, ये दुनिया बड़ी हसीन है, हम किसी और से दिल लगा लेते। इन तीन चीजों के कारण कई लोग आपकी इज्जत नहीं करते। पहला, कभी किसी से बातचीत करने के लिए उसके सामने हाथ पांव मत जोड़ो। यदि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, गलतियां वो करते हैं और सॉरी आप कहते हो, इसलिए वो और गलतियां करते हैं और कभी भी अपनी गलतियां नहीं मानते। और हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना छोड़ दो, नहीं तो इससे आपकी इज्जत कम होती है। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। कुछ लोग आपका फायदा उठाकर भी ऐसे पेश आते हैं जैसे आपका फायदा उठाकर भी वो आप पर ही कोई एहसान कर रहे हो। क्या आपके साथ हैं कोई ऐसे लोग? इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता सिर्फ उसी के सामने है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। जिंदगी में कभी प्यार करने का मन करे तो अपने दुखों से करना, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है जिसे जितना चाहोगे उसे उतना दूर पाओगे। बड़ी चालाक होती है जिंदगी, रोज नया कल देकर उम्र छीनती रहती है। निगाहों से भी चोट लगती है जब हमें कोई देखकर भी अनदेखा कर देता है।
अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो उसे ये एहसास मत दिलाओ कि वो सच में अंधा है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। किसी से रिश्ता छोड़ना हो या तोड़ना हो तो जल्दीबाजी ना करे, थोड़ा और समय दे ताकि बाद में पछताना ना पड़े। कोई आपका विश्वास तोड़े तो उसे धन्यवाद करें, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कभी कभी आपकी जिंदगी में बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि वो आपको अच्छे लोगों से मिलवा सके, क्योंकि जो लोग आपकी जिंदगी में हैं वो ना आपकी तकलीफ को समझते हैं और ना ही आपकी फिक्र करते, इसलिए उन्हें छोड़िए और आगे बढ़िए। एक औरत की इज्जत क्या होती है ये एक बेटी का बाप बनने के बाद ही पता चलता है। उसके पहले तक तो वो एक खिलौना ही नजर आती है, कड़वा है लेकिन सच है। कई बार आप मेहनत करना शुरू करते हैं और गिर पड़ते हैं, लेकिन आप हार नहीं मानते। आप उठते हैं, खड़े होते हैं और फिर से मेहनत करते हैं, लेकिन फिर से आप नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ पर कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कभी हार मत मानिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यदि आपको अमीर बनना है तो ये तीन बातें हमेशा याद रखना। पहला, वो काम करके दिखाओ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दूसरा, उधार लेकर कभी भी कोई काम शुरू मत करो। और तीसरा, पैसे से पैसा तो हर इंसान कमाता है, आप सोचिए कि दिमाग लगाकर कैसे पैसे कमा सकते हैं। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा करो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्तों को ऐसा रखें कि रिश्तों का कभी अंत ना हो। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से अच्छा है सच बोलकर रिश्ता तोड़ लिया जाए, क्योंकि रिश्ता फिर जुड़ जाएगा लेकिन भरोसा कभी नहीं जुड़ेगा। सिर्फ किसी को पा लेना प्यार नहीं कहलाता, प्यार तो किसी के दिल में जगह बनाने को कहते हैं। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देने में देते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं है। बेशक जहर दे देना सीधा, लेकिन कभी किसी को झूठी उम्मीद मत देना। जरूरी नहीं कि सुंदर लोग दिल के भी अच्छे हो, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा खूबसूरत होता है। आज जो दर्द सह रहे हो कल वही आपकी ताकत होगी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदि हो गए हैं। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर भागता है। जो हैरान है मेरे सब्र पर उनसे कह दो, जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते दिल चीर जाते हैं। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन आपको सच्चा प्यार करने वाले आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकते। कोई कहता है कि प्यार सजा बन जाता है, कोई कहता है कि प्यार नशा बन जाता है, लेकिन यदि प्यार सच्चे दिल से करो तो वही प्यार जीने की वजह बन जाता है। सारी दुनिया से जीतने वाला बाप अपनी औलाद से हार ही जाता है। जो इंसान सच का साथ देता है वो हमेशा अकेला ही होता है। इंसान जब किसी का साथ देने का मौका आए तो साथ नहीं देता, लेकिन यदि किसी को बर्बाद करना हो तो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। गम सबके हिस्से में देता है भगवान, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिखा देता है और कोई छुपा लेता है। तकलीफ खुद ब खुद कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। ईश्वर के मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। हौसला कम ना होगा तेरा तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल होगी जिंदगी की मुश्किलें। बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी की बात पर निराश मत होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। मैंने अपनी तकलीफों को अपना दोस्त बना लिया। अगर तकलीफ तकलीफ भी देगी तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। जिंदगी तेरी नाराजगी से क्या होगा, मेरी मुस्कुराहट तेरी आदत में शामिल है। मुझे हमेशा मुस्कुराता देखकर खुश मत हो जाना। मुझ में झूठी मुस्कान नाम का भी एक हुनर है। अकेले होने में और अकेले रहने में फर्क होता है। जीवन में कभी किसी को समय देने के लिए फोर्स मत करो। यदि उसको आपकी वैल्यू होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि वैल्यू नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। पूरा विज्ञान भौरे के उड़ने को लेकर परेशान है कि ये भौरा उड़ कैसे पाता है, ये तो असंभव है, क्योंकि उसके शरीर का वजन उसके पंखों के वजन से कहीं ज्यादा है, फिर ये कैसे उड़ सकता है। लेकिन भौरा किसी की बात नहीं सुनता, उसने अपने दिमाग में कभी ये बात नहीं डाली कि मेरे शरीर का वजन मेरे पंखों के वजन से ज्यादा है, मैं कभी उड़ नहीं सकता। और इसीलिए वो उड़ पाता है क्योंकि उसके दिमाग में कभी ये बात बैठी ही नहीं कि ये मेरे लिए असंभव है। फूंक मारकर दिए को बुझा सकते हैं, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो खुशबू फैलाता है उसे कोई नहीं बुझा सकता। दर्द तो अकेले ही सहते हैं सभी, भीड़ तो बस फर्ज अदा करती है।
उन्हें बहम है कि हमें उनकी चालाकियां समझ नहीं आती और हम खामोशी से देख रहे हैं उन्हें अपनी नजरों में घिरते हुए। एक दिन उन्हें भी होगा इस बात का एहसास, किसी ने चाहा था उन्हें पूरी दुनिया छोड़ के। छोटा बन के रहोगे तो मिलेगी हर बड़ी मंजिल, बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है। इज्जत करना सीखो, जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। नाखून बढ़ने पर नाखून काटे जाते, उंगलियां नहीं। इसी प्रकार यदि रिश्तों में दरार आए तो दरार को मिटाया जाता है, रिश्तों को नहीं। ये इंसान की फितरत है, एक बार सहायता ना करने पर पहले की गई सभी सहायताओं की गिनती समाप्त हो जाती है। हर शख्स को नफरत है झूठ से, मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि फिर ये झूठ बोलता कौन है। बहुत सोच समझ कर किसी से रूठना, क्योंकि आजकल मनाने का रिवाज खत्म हो चुका है। हम जिन्हें अपना समझकर सब कुछ बोल जाते हैं, पता नहीं वही क्यों हमें अकेला छोड़ जाते हैं। जिनको आपकी कदर नहीं उनके पीछे रोके अपनी कदर कभी मत खोना। लफ्ज ही होते हैं इंसान का ही ना, सूरत का क्या है, वो तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है। कौन क्या किया है मुझे सब पता है, फिर भी अनजान रहता हूँ। किसी की इज्जत उछालना मेरी फितरत में नहीं। अपना दर्द सबको ना बताए, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, लेकिन सबके घर नमक जरूर होता है और वो तैयार बैठे हैं आपको लगाने के लिए। न मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों की मीनारें गिरी, पर मुझे गिराने में कई लोग बार बार गिरे। हमारा स्टाइल और एटीट्यूड ही कुछ अलग है, बराबरी करने जाओगे तो बिक जाओगे। शांत हूँ, शांति रहने दो। जब बोल पड़ूंगा तो बहुत से लोगों को मुझसे नफरत हो जाएगी। कड़वा भी इसलिए लगता हूँ लोगों को क्योंकि सच बोलता हूँ। तुम कहो तो मीठा हो जाऊं, फिर ये ना कहना कि बहुत झूठ बोलते हो यार। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके हाथ से पेंसिल लेकर पेन शायद इसलिए दे दिया जाता है कि उसे समझाया जा सके कि अब उसकी गलतियों को मिटाना आसान नहीं होगा। कुछ लोग आपसे इसलिए भी जलते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। वक्त तो मासूम होता है, निभाने वाले निभाने का बहाना ढूंढते हैं और छोड़ने वाले छोड़ने का। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलता है। रोया उनके लिए जाता है जो हमसे जुड़े हों और तकलीफ में हों, उनके लिए नहीं जो हालातों का वास्ता देकर हमें छोड़ जाते हैं। शरीफ इंसान शराफत की वजह से चुप रह जाता है तो बदमाशों को लगता है कि उसे जवाब देना नहीं आता। गलत लोगों की परवाह करना छोड़ दो, ये जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। पैदा तो सभी मरने के लिए ही होते हैं, लेकिन मौत ऐसी हो कि ये जमाना अफसोस करे। आप जब भी घर से बाहर जाओ तो अपने घर में विराजमान भगवान से मिलकर जाओ, और जब भी घर में वापस आओ तब भी उनसे जरूर मिलो, क्योंकि उन्हें भी तो आपके आने का इंतजार रहता है ना। हमारा अंदाज कोई ना लगाए तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि अंदाज बारिश का लगाया जाता है, तूफान का नहीं। शेर खुद की ताकत से राजा कहलाता है, क्योंकि जंगल में कोई चुनाव नहीं होता। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं पहले फैसले लेता हूँ और फिर उसे सही साबित कर देता हूँ। जो आपके मुकद्दर में है वो खुद चलकर आपके पास आएगा, और जो नहीं है उसे आपका खौफ लाएगा। सिर्फ एक उसके सामने झुको, वो और किसी के सामने झुकने नहीं देगा। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ। बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और बहस बता देती है कि उस इंसान का ज्ञान कैसा है। जब भी आपका अतीत आपको आवाज दे तो उसे कभी जवाब मत देना, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नया नहीं होगा। जिंदगी में एक दोस्त ऐसा जरूर बनाना कि यदि भगवान को आपकी बहुत ज्यादा याद आए और वो आपको उनके पास बुला ले तो वो दोस्त आपके पूरे परिवार को संभाल ले। क्या आपके पास है ऐसा दोस्त? इस दुनिया में तुम्हारा कोई मित्र या शत्रु नहीं है, तुम्हारा अपना व्यवहार ही मित्र या शत्रु बनाने के लिए जिम्मेदार है। एक बात हमेशा याद रखना, तुम जितना कम बोलोगे ये दुनिया तुम्हें उतना ज्यादा सुनेगी। एक सफल व्यक्ति वही है जो अपने ऊपर फेंकी गई ईंटों से एक मजबूत दीवार बना ले। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके हाथ से पेंसिल लेकर पेन शायद इसलिए दे दिया जाता है कि उसे समझाया जा सके कि अब उसकी गलतियों को मिटाना आसान नहीं होगा। कुछ लोग आपसे इसलिए भी जलते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। वक्त तो मासूम होता है, निभाने वाले निभाने का बहाना ढूंढते और छोड़ने वाले छोड़ने का। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलता है। रोया उनके लिए जाता है जो हमसे जुड़े हों और तकलीफ में हों, उनके लिए नहीं जो हालातों का वास्ता देकर हमें छोड़ जाते हैं। शरीफ इंसान शराफत की वजह से चुप रह जाता है तो बदमाशों को लगता है कि उसे जवाब देना नहीं आता। गलत लोगों की परवाह करना छोड़ दो, ये जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी।
पैदा तो सभी मरने के लिए ही होते हैं, लेकिन मौत ऐसी हो कि ये जमाना अफसोस करे। आप जब भी घर से बाहर जाओ तो अपने घर में विराजमान भगवान से मिलकर जाओ, और जब भी घर में वापस आओ तब भी उनसे जरूर मिलो, क्योंकि उन्हें भी तो आपके आने का इंतजार रहता है ना। हमारा अंदाज कोई ना लगाए तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि अंदाज बारिश का लगाया जाता है, तूफान का नहीं। शेर खुद की ताकत से राजा कहलाता है, क्योंकि जंगल में कोई चुनाव नहीं होता। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं पहले फैसले लेता हूँ और फिर उसे सही साबित कर देता हूँ। जो आपके मुकद्दर में है वो खुद चलकर आपके पास आएगा, और जो नहीं है उसे आपका खौफ लाएगा। सिर्फ एक उसके सामने झुको, वो और किसी के सामने झुकने नहीं देगा। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ। बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और बहस बता देती है कि उस इंसान का ज्ञान कैसा है। जब भी आपका अतीत आपको आवाज दे तो उसे कभी जवाब मत देना, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नया नहीं होगा। जिंदगी में एक दोस्त ऐसा जरूर बनाना कि यदि भगवान को आपकी बहुत ज्यादा याद आए और वो आपको उनके पास बुला ले तो वो दोस्त आपके पूरे परिवार को संभाल ले। क्या आपके पास है ऐसा दोस्त? इस दुनिया में तुम्हारा कोई मित्र या शत्रु नहीं है, तुम्हारा अपना व्यवहार ही मित्र या शत्रु बनाने के लिए जिम्मेदार है। एक बात हमेशा याद रखना, तुम जितना कम बोलोगे ये दुनिया तुम्हें उतना ज्यादा सुनेगी। एक सफल व्यक्ति वही है जो अपने ऊपर फेंकी गई ईंटों से एक मजबूत दीवार बना ले। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। इस कलयुग में रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन उतना नहीं गिर सकता जितना रुपयों के लिए इंसान गिर चुका है। यदि आपने जीवन में इन तीन बातों को फॉलो कर लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहला, जब भी आपसे कोई गलती हो उसे मानना सीखो, उसे सुधारो और आगे बढ़ो। दूसरा, यदि किसी काम को करने में आप हजारों बार असफल भी हो जाए उसके बाद भी आप उसे करना ना छोड़े। और तीसरा, दूसरों पर विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले खुद पर विश्वास करें। कुछ लोग आपसे इतना भोला बनकर बातें करते हैं जैसे आपको उनकी काली करतूतों का पता ही नहीं। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, वक्त सबको जीना सिखा देता है। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है, जब कई झूठे लोग इकट्ठा हो तो सच्चा व्यक्ति भी टूट जाता है। हमारे अपने हमें कभी नहीं रुलाते, रुलाते तो वो हैं जिन्हें हम अपना समझने की गलती कर देते हैं। वो कहती थी कि तू ना मिला तो मर जाएंगे, वो आज भी जिंदा है यही बात किसी और से कहने के लिए। दिल टूटा है तो इसमें अपनी ही गलती है, उसने कब कहा था कि मुझसे मोहब्बत करो। छोड़ने वालों को तो छोड़ने का बहाना चाहिए, वरना निभाने वाले तो शमशान तक साथ निभाते हैं। अच्छा सुनिए, इस जिंदगी को खुलकर जीना, खूब मेहनत करना और आगे बढ़ना, कभी किसी का बुरा मत सोचना, और सबके साथ मिलकर आगे बढ़ना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा जीने का मन करे और ये जिंदगी तुम्हें जीकर चली जाए। अभी गुमनाम हूँ तो फासला बना रहे हो, कल मशहूर हो जाऊं तो कोई रिश्ता मत बना लेना। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, दूसरों की शिनाख्त में तो हर शख्स माहिर है। जिंदगी में अपने सीक्रेट कभी किसी को मत बताना, क्योंकि एक दिन आएगा जब वो इंसान आपको उन्हीं बातों को याद करवाकर नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और ताने मारेगा। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। किसी जगह पर एक लड़का था और एक लड़की थी जो अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते थे, मेहनत करना चाहते थे और इस दुनिया के सामने अपने आप को साबित करना चाहते थे, लेकिन दोनों ही इंतजार कर रहे थे एक तारीख का कि बस एक तारीख आएगी और हम मेहनत करना शुरू कर देंगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। आ गई वो एक तारीख। कब से शुरू कर रहे हो? जी हाँ, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। कब से? मुस्कुराते रहोगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी, क्योंकि आंसुओं को तो आंखें भी जगह नहीं देती। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली नदी ने आज तक नहीं पूछा कि समुद्र भी कितनी दूर है। एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना हीरा फेंक कर पत्थर उठाने जैसा है। किसी को झूठा दिलासा देने से अच्छा है उसे स्पष्ट इनकार कर दो। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं कि एक सिर्फ इंतजार करता है और दूसरे को फिक्र तक नहीं होती। दिल की बात साफ साफ बता देना चाहिए, क्योंकि बता देने से फैसले होते हैं और ना बताने से फासले। किसी के सब्र का इम्तिहान ना लिया करो, मैंने ऐसे करने वालों को अक्सर पछताते हुए देखा है।
कागज के बेजान परिंदे भी उड़ते हैं। बस जोर जरा सही हाथों में होना चाहिए। जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। प्यार उसी से करो जो दिल को अच्छा लगता है। आंखों का क्या, उसे तो सब अच्छा लगता है। जब रिश्तों में दरार आती है तो सामने वाले की हर बात में बुराई नजर आती है। किसी के बुरे वक्त में हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरे याद रखता है। इंसान दो ही तरीके से बदलता है, या तो वो खुद अपने आप को बदल दे, या फिर समय उसे बदलता है। यदि खुद बदल जाए तो ठीक है, समय बदलेगा तो बहुत तकलीफ होगी। याद रखना ये चार चीजें कभी किसी को मत बताना। पहला, आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स। दूसरा, आपका बड़ा प्लान। तीसरा, आपकी लव लाइफ। और चौथा, आपकी इनकम। भौरे की गुनगुन की आवाज के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। भौरे का शरीर उसके पंखों से बहुत गुना भारी होता है। विज्ञान के अनुसार वो अपने पंखों से कभी उड़ ही नहीं सकता है, लेकिन वो देखता है कि जितने भी पक्षियों के पंख होते हैं वो सभी उड़ पा रहे हैं, और वो भी ताकत लगाना शुरू करता है। वो बहुत ताकत लगाता है और आखिर में वो उड़ जाता है। और ये सब मुमकिन हो पाता है विश्वास की ताकत की वजह से। इसीलिए कहते हैं ना कि यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तो कोई भी काम असंभव नहीं है। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। Thank for watching.